गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माई ऑनलाइन क्लास ऑफ मैक्स डिवाइन पब्लिक स्कूल। आई एम नुसरत नास एंड टुडे आई विल टीच यू कंप्यूटर। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिक एट योर होम। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो स्टूडेंट्स, आवर फर्स्ट चैप्टर इज कंप्यूटर लैंग्वेज। पिछली क्लास में हमने कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था और इसको जाना था। अभी हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओके, हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज जो है वो एक ऐसा संचार का माध्यम है जो कि दो लोगों को या फिर दो चीज़ों को जोड़ने में हमारी सहायता करता है, हमारी हेल्प करता है। ठीक है, जैसे कि कंप्यूटर और ह्यूमन दोनों के बीच कम्युनिकेटिंग जो आपका सोर्स होता है वो हमारी लैंग्वेज ही होता है। लेकिन कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज होती है जो कि ज़ीरो और वन के कॉम्बिनेशन से बनती है, और ह्यूमन्स के लिए इसको समझना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, इसीलिए हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमारी यहाँ पर क्रिएट होती है कि हम कंप्यूटर की लैंग्वेज को कैसे समझें और कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शंस को कैसे समझें। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट करने के लिए यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेवलप किया गया। सो आवर नेक्स्ट पैराग्राफ इज कंप्यूटर लैंग्वेज और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज़ यूज टू राइट एंड डेवलप सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फॉर दी कंप्यूटर। कंप्यूटर भाषा या प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम लिखने और इसको विकसित करने के लिए किया जाता है। ईच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक रूल्स। प्रत्येक प्रोग्रामिंग यानी कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना एक अलग ही नियम होता है। ठीक है, अ प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट आर गिव यू टू अ कंप्यूटर सो दैट इट विल डू अ पार्टिकुलर टास्क। एक प्रोग्राम अनुदेशों या आदेशों का एक ऐसा समुच्चय या सेट है जो हम कंप्यूटर को देते हैं ताकि उस काम को वो पूरा कर सके। ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस का जो वर्गीकरण है, जो इनको पार्ट्स में डिवाइड किया गया है कंप्यूटर लैंग्वेज को, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। द लैंग्वेजेस दैट अ कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड आर डिवाइडेड इनटू गिवन कैटेगरीज। कंप्यूटर लैंग्वेज जिन लैंग्वेजेस को समझ सकती है उसको यहाँ पर कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नीचे आप एक फ्लो चार्ट देख रहे हैं, यहाँ पर कंप्यूटर लैंग्वेज को फोर पार्ट में आपका डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज लो लेवल लैंग्वेज, सेकेंड इज हाई लेवल लैंग्वेज, थर्ड इज फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एंड द लास्ट वन इज फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज। सबसे पहले हम लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ लेते हैं। द लो लेवल लैंग्वेज, इसको हम शॉर्ट में ट्रिपल एल से भी मेंशन कर सकते हैं। ओके, द लो लेवल लैंग्वेज यानी कि निम्न स्तरीय भाषा। द लो लेवल लैंग्वेज आर दोज विच आर आइदर इन द बाइनरी फॉर्म और वेरी क्लोज टू इट। निम्न स्तरीय भाषा या लो लैंग्वेज भाषा वो भाषा है जो कि या तो बाइनरी के बहुत या तो बाइनरी जैसे ही होती है बिल्कुल, या फिर इसके बहुत ज़्यादा करीब होती है। ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस। यहाँ पर लो लेवल लैंग्वेज के भी दो टाइप्स हैं। सो स्टूडेंट्स, लो लेवल लैंग्वेज की यहाँ पर हमारे टू पॉइंट्स दिए हुए हैं। फर्स्ट इज मशीन लेवल लैंग्वेज यानी कि फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, या फिर इसको हम 1GL से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इट गिव्स इंस्ट्रक्शन इन द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोस एंड वंस। ये हमें जीरो और वन के इंस्ट्रक्शंस देता है, यानी कि दो ही सिंबल्स होते हैं इसके जो कॉम्बिनेशन से बनते हैं जीरो और वन। इट इनेबल्स प्रोग्राम टू रन वेरी फास्ट विदाउट ट्रांसलेशन। ये बिना ट्रांसलेट किए प्रोग्राम को तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ा देता है। ठीक है, इट दीज लैंग्वेजेस आर मशीन डिपेंड। ये लैंग्वेज जो है वो मशीन पर ही डिपेंड करती है। सो ईच कंप्यूटर हैज़ इट्स ओन मशीन कोड। सो इसीलिए हर एक कंप्यूटर का अपना ही मशीन कोड होता है। मशीन लैंग्वेजेस आर आल्सो नोन एज फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस। मशीन लैंग्वेजेस को हम पहली पीढ़ी की भाषा के नाम से भी जानते हैं। ओके, नाउ बी पॉइंट इज असेंबली लैंग्वेज, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, या फिर हम इसको 2GL से भी रिप्रेजेंट करते हैं। इट यूजेस अल्फ़ाबेट्स और नंबरिक सिंबल। इसमें क्या होता है हमारा, अल्फ़ाबेट्स यानी कि A to Z और नंबरिक सिंबल्स भी यूज होते हैं। नंबरिक सिंबल 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन एज बाइनरी कोड्स, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि बाइनरी कोड्स में यूज होते हैं। ठीक है, बट कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी कोड्स ऑफ 0 and 1। लेकिन हमारा कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी कोड्स 0 और 1 को ही जानता है ना। सो असेंबली लैंग्वेजेस नीड असेंबलर। इसीलिए असेंबली लैंग्वेज यानी कि असेंबली भाषा को एक असेंबलर की ज़रूरत होती है। किस लिए, टू ट्रांसलेट द प्रोग्राम कोड, ताकि ये हमारे प्रोग्राम कोड को ट्रांसलेट कर सके।
किस में ट्रांसलेट कर सके स्टूडेंट्स, बाइनरी कोड में, ताकि कंप्यूटर उसको आसानी से इंस्ट्रक्शन ले ले, ठीक है। असेंबलर ट्रांसलेट्स प्रोग्राम कोड इन असेंबली लैंग्वेज टू मशीन कोड। असेंबलर क्या करता है, ट्रांसलेट कर देता है प्रोग्राम कोड को असेंबली लैंग्वेज से मशीन कोड में, जैसे कि बाइनरी कोड में यूज होता है इसका, सेम ऐसे ही। ओके, दीज लैंग्वेजेस आर आल्सो नॉन मशीन डिपेंड। ये लैंग्वेज भी आपकी मशीन पर ही डिपेंड करती है, ठीक है। असेंबली लैंग्वेजेस आर आल्सो नॉन एज सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को हम द्वितीय पीढ़ी की भाषा के नाम से भी जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर सेकेंड टाइप ऑफ लैंग्वेज इज हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे हम HLL से भी रिप्रेजेंट करते हैं, एंड दिस वन इज थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, जिसे हम शॉर्ट में 3GL से रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस आर क्लोजर टू ह्यूमन लैंग्वेजेस। हाई लेवल लैंग्वेज इंसानी भाषा के बहुत अधिक करीब है। दे आर ईजियर टू रीड एंड राइट। वे पढ़ने और लिखने में बहुत आसान हैं। हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्लिश एंड मैथमेटिकल सिम्बल्स टू राइट इंस्ट्रक्शन। हाई लेवल लैंग्वेजेस में इंस्ट्रक्शंस को लिखने के लिए इंग्लिश और मैथ्स दोनों के कॉम्बिनेशन का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। द प्रोग्राम इन हाई लेवल लैंग्वेज मस्ट बी ट्रांसलेटेड इन टू मशीन लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को भी हमें बहुत ज़रूरी होता है कि हम इसको भी, इसके प्रोग्राम को भी मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें, ठीक है। वी कैन यूज़ कंपलर और इंटरप्रेटर्स फॉर दैट। इसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इसके लिए कंपलर और इंटरप्रेटर्स, यानी कि उपभोक्ताओं का और कंपलर का, दोनों का हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। किस लिए, ताकि हम प्रोग्राम को आसानी से ट्रांसलेट कर सकें। वी कैन रन प्रोग्राम्स रिटन इन द हाई लेवल लैंग्वेज ऑन एनी कंप्यूटर। हम हाई लेवल लैंग्वेज में किसी भी कंप्यूटर में प्रोग्राम को आसानी से लिख सकते हैं, बहुत ईजीली, ठीक है। सम कॉमनली नोन हाई लेवल लैंग्वेजेस आर एज फॉलोअर्स। कुछ यहाँ पर बहुत कॉमन जो हाई लेवल लैंग्वेजेस हमारी यूज होती हैं, वो हमें नीचे दी हुई हैं। फर्स्ट इज फॉर्ट्रन, सेकेंड इज कोबॉल, थर्ड इज बेसिक, फोर्थ इज पास्कल, फिफ्थ इज सिक्स एंड लोगो, नेक्स्ट इज C++, नेक्स्ट जावा एंड द लास्ट वन इज विजुअल बेसिक्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू गिव यू होमवर्क। सो योर टूडेज होमवर्क इज टू राइट द डिटेल ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज इन योर क्लास वर्क फेयर कॉपी। आई होप यू ऑल एंजॉय इट। टेक केयर एंड स्टडी हार्ड।